Hey guys, welcome back to my new YouTube video. तो आज हम लोग 3x3 रूबिक्स क्यूब में 10 awesome पैटर्न बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डोनट पैटर्न बनाएंगे। तो आपके स्किन के ऊपर एल्गोरिथम लिख के आ रहा होगा, वो अप्लाई करिए। एल आर डैश यू डैश डी एफ डैश बी एल आर डैश। तो ये देखिए डोनट पैटर्न बन गया है। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पैटर्न है क्यूब पैटर्न बनाएंगे। तो आपके स्क्रीन को पहले एल्गोरिथम आ रहा है, वो अप्लाई करिए। यू डैश एल डैश यू डैश एफ डैश आर टू बी डैश आर एफ यू बी टू यू बी डैश एल यू डैश एफ यू आर एफ डैश। तो ये देखिए क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बन गया है। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पैटर्न है क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। इसके पहले क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बनाए थे, अब क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बनाएंगे। तो आपके स्क्रीन को पहले एल्गोरिथम लिख के आ रहा होगा, वो अप्लाई करिए। एफ एल एफ यू डैश आर यू एफ टू एल टू यू डैश एल डैश बी डी डैश बी डैश एल टू यू। तो ये देखिए क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बन गया है। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। हम लोग ट्विस्टेड पीक पैटर्न बनाएंगे अपने 3x3 रूबिक्स क्यूब में। आपके स्क्रीन को पहले एल्गोरिथम लिख के आ रहा होगा, वो अप्लाई करिए। एफ बी डैश यू एफ यू एफ यू एल बी एल टू बी डैश यू एफ डैश एल यू एल डैश बी। तो ये देखिए ट्विस्टेड पीक पैटर्न बन गया है। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। हम लोग स्लश पैटर्न बनाएंगे। तो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर एल्गोरिथम लिख के आ रहा होगा, वो अप्लाई करिए। आर एल एफ बी आर एल एफ बी आर एल एफ बी। तो ये देखिए स्लश पैटर्न बन गया है। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न बनाते हैं। अब हम लोग अपोजिट कॉर्नर पैटर्न बनाने वाले हैं। आपके स्क्रीन को पहले एल्गोरिथम लिख के आ रहा होगा, वो अप्लाई करिए। आर एल यू टू एफ टू डी टू एफ टू आर एल एफ टू डी टू बी टू डी टू। तो ये देखिए अपोजिट कॉर्नर पैटर्न बन गया है। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। अब हम लोग 6 कलर क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न में आने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन को पहले एल्गोरिथम लिख के आ रहा होगा, वो अप्लाई करिए। बी डैश यू डैश बी डैश एल डैश डी बी यू डी टू बी यू एल डी डैश एल डैश यू डैश एल टू डी। तो ये देखिए 6 कलर क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बन गया है। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। अब सिर्फ लास्ट के दो पैटर्न बचे हैं, एक एनाकोंडा पैटर्न एक सिक्सटी पैटर्न। चलिए पहले एनाकोंडा पैटर्न बना लेते हैं। तो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर लिख के आ रहा होगा एल्गोरिथम, वह अप्लाई करिए। तो आप लोग का बन जाएगा एल यू बी डैश यू डैश आर एल डैश बी आर डैश एफ बी डैश डी आर डी डैश एफ डैश। तो ये देखिए एनाकोंडा पैटर्न बन गया है। अब चलिए 6T पैटर्न बनाएं। अब ये हम लोग का आखिरी पैटर्न है 6T पैटर्न। आप लोगों के स्क्रीन को पर एल्गोरिथम लिख के आ रहा होगा, वो अप्लाई करिए। तो ये भी बन जाएगा एफ टू आर टू यू टू एफ डैश बी डी टू एल टू एफ बी। ये देखिए 6T पैटर्न बन गया है। अगली वीडियो किस क्यूब या पैटर्न में चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।